नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नए साल के मौके पर गलवान में भारतीय तिरंगा लहराया गया, इसकी एक तस्वीर सामने आई है। हालांकि अभी तक इस तस्वीर की पुष्टि आर्मी में नहीं की है। न्यूज एजेंसी ANI ने सिक्योरिटी सूत्रों के हवाले से दो तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों में सेना के 30 जवान तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। जवान हथियार लिए हुए हैं, एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा है और दूसरा तिरंगा जवानों के हाथों में है। यह तस्वीर उस वीडियो के जारी होने के बाद सामने आई है जिनमें PLA के सैनिक गलवान में अपने इलाके में चीनी ध्वज फहरा रहे हैं और राष्ट्रगान गा रहे हैं। अब भारतीय जवानों की तस्वीरों को गलवान में चीन के दुष्प्रभाव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिनमें LSA पर भारतीय सशस्त्र जवान तैनात नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना और चीनी जवानों ने पश्चिम लद्दाख में एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। हॉट स्प्रिंग्स, डेमचौक, नाथुला और कोंगरा लॉ इलाके में दोनों ओर से मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। चीन के एक वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से गलवान में चीनी झंडा फहराते हुए वीडियो पोस्ट किया गया था। कैप्शन में लिखा था, 2022 के पहले दिन गलवान घाटी पर चीन का झंडा लहरा रहा है। यह झंडा खास है क्योंकि इसे एक बार बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर भी फहराया गया था। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। तियानमेन स्क्वायर पर भी फहराया गया था। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। चीनी वीडियो पर विवाद बढ़ने के बाद भारत ने कहा कि चीन से गलवान घाटी के जिस इलाके में झंडा लहराया गया है और फहराया गया है, चीनी वीडियो पर विवाद बढ़ने के बाद भारत ने कहा कि चीन ने गलवान घाटी के जिस इलाके में झंडा लगाया और फहराया, वो इलाका हमेशा से उसके ही कब्जे में रहा है और इस क्षेत्र को लेकर कोई नया विवाद नहीं है। भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।